हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन या प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन की बात कर रहे हैं। तो चलिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। तो क्या है केमिकल रिएक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन के अंदर? सबसे पहले हमने बात करी थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। जैसे लास्ट लेक्चर में हम हाइड्रोजिनेशन के बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो RDS स्टेप में ऐड होता है, इसलिए रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो इसी तरीके से हमने दो तरह के मैकेनिज्म पढ़ लिए थे, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कब कब बनता है और कैसे बनता है। तो चलिए, उन्हीं की बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके अंदर आप क्विक रिवीजन की तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या मैंने लिखा यहाँ पे कंपाउंड, क्या लिखा मैंने यहाँ पे कंपाउंड आपको गिवन होगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं क्या इलेक्ट्रोफाइल, क्या लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे लिख लेता हूँ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो कार्बोकेटायन है या जो इंटरमीडिएट है वो कौन सा होगा, इंटरमीडिएट। चलिए, तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से जल्दी जल्दी बताकर इन सबको रिवाइज कर सकते हैं। अगर सपोज दैट मैंने लिखा यहाँ पे कि HCl, तो मैं आपसे पूछूं बताओ कौन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, तो कौन काम करेगा भाई, एच प्लस काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा, सी एल माइनस करेगा। मैंने पूछा इंटरमीडिएट कौन सा है, क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है क्या उसके पास लोन पेयर है क्या, नहीं है, तो कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा, CC क्लासिकल कार्बोकेटायन। मैंने लिखा क्या HBr, क्या हो जाएगा भाई, एच प्लस Br माइनस, क्या हो जाएगा, क्लासिकल कार्बोकेटायन। मैंने लिखा HI, क्या बन जाएगा, H प्लस आई माइनस एंड क्लासिकल कार्बोकेटायन। मैंने लिखा DBr, क्या लिखा DBr, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन हो जाएगा, D प्लस Br माइनस और क्लासिकल कार्बोकेटायन। मैंने लिखा TCl बोले तो T प्लस Cl माइनस और क्या बन जाएगा, क्लासिकल कार्बोकेटायन बन जाएगा। मैंने लिखा यहाँ पे क्या कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब है कि यहाँ पे वाटर मिक्स नहीं है, तो कंसंट्रेटेड के अंदर मैंने इलेक्ट्रोफाइल कौन लूँगा मैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन हो जाएगा, H प्लस, और न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाएगा, HSO4 माइनस, कौन सा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ किसकी, डाइल्यूट H2SO4 की, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा H प्लस, और अगर डाइल्यूट आ गया मतलब वाटर मिक्स है, अगर वाटर मिक्स है तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा, वाटर करेगा, और कौन सा मैकेनिज्म, क्लासिकल कार्बोकेटायन। मैकेनिज्म किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे, इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है तो मैकेनिज्म कौन सा होगा, क्लासिकल कार्बोकेटायन होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे क्या, मैंने लिख दिया दिस इज द Br2CCl4, CCl4 इज द नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो क्या होना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए भाई, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल का काम करना चाहिए और Br माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करना चाहिए। अगर Br प्लस को आप देखोगे तो क्या इसके पास लोन पेयर होता है कि नहीं होता है, अगर इसके पास लोन पेयर होता है तो ये कौन सा मैकेनिज्म बनाएगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, मतलब रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर, मैंने लिखा Br2CS2, कार्बन डाइसल्फाइड इज ऑल्सो नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे Br प्लस Br माइनस, कौन सा मैकेनिज्म, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन यहाँ पर एज अ इंटरमीडिएट बन जाएगा। मैंने लिखा Cl2CCl4, क्या बन जाएगा भाई, Cl2CCl4 बोले तो Cl प्लस, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, ये Cl माइनस, कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है कहानी, चलिए और लिखा मैंने यहाँ पे, क्या लिखा मैंने यहाँ पे NOCl बोले तो NO प्लस, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, Cl माइनस, क्या बन जाएगा NCC, जो NOCl होता है भाई इसको कहा जाता है
टिल्डन रिएजेंट, जब इसकी रिएक्शन आएगी तब भी मैं आपको बताऊंगा, अभी भी आप इसको समझ सकते हैं। इसका नाम है टिल्डन रिएजेंट। क्या नाम है इसका? टिल्डन रिएजेंट। देखो ध्यान से, दोबारा से लिख लेते हैं नाम क्या है, टिल्डन रिएजेंट। दिस इज द टिल्डन रिएजेंट, क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े। मैंने लिखा यहाँ पे क्या, बी आर सी एल। चलो बताओ किस पे नेगेटिव किस पे पॉजिटिव। बी आर इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो बी आर प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सी एल माइनस हो जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। मैंने लिखा यहाँ पे क्या, मैंने लिखा सी बी आर और आई, ठीक है, या फिर मैंने लिखा यहाँ पे बी आर आई को हटा देते हैं, इसकी जगह लिखते हैं आई सी एल। क्या हो जाएगा? आई प्लस, लोन पेयर है आयोडीन के पास, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, सी एल माइनस, यहाँ बन जाएगा एन सी सी। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? मैंने लिखा एच ओ सी एल, एच ओ सी एल के अंदर सी एल प्लस रहेगा और ओ एच क्या रहेगा, माइनस रहेगा। एच प्लस प्रोड्यूस नहीं करता, ये हाइड्रोक्सी एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एल प्लस ओ एच माइनस और क्या बन जाएगा, एन सी सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? एन सी सी बन जाएगा, क्लियर। उसी तरीके से मैंने ले लिया यहाँ पे क्या, बी आर टू और साथ में ले लिया एन ए सी एल और साथ में ले लिया वाटर। दिस इज द ब्राइन सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है इसको? दिस इज द ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ब्राइन सॉल्यूशन अगर आपने ले लिया है तो जरा चेक करो, इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा भाई? बी आर प्लस करेगा। कौन करेगा? बी आर प्लस। न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा? बी आर माइनस भी कर सकता है, इसके अलावा सी एल माइनस भी कर सकता है और एच टू ओ भी कर सकता है। मतलब थ्री टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपके सामने आ जाता है एच जी एस ओ फोर एच टू एस ओ फोर, तो जो मरकरी है वो किसका काम करता है यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और जो मरकरी है उसके पास क्या पाया जाता है? लोन पेयर। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा? जो H2SO4 होता है वो डाइल्यूट होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का काम करता है वाटर। कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी रिएक्शन आगे आने वाली है इसको मैंने टेबल में बना दिया है। इस टेबल को अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे तो आपकी लगभग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की 90% रिएक्शन यही कंप्लीट हो जाएगी। एक आधा रिएक्शन है जो हमें अलग से पढ़नी पड़ेगी, वरना बहुत सारी रिएक्शन इसी टेबल से कंप्लीट हो जाती है, क्लियर है। तो चलिए इसी टेबल को वन बाय वन पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक ले लेते हैं यहाँ पे आज का, वो ले लेते हैं ए, जिसको बोलते हैं अपन ए इज द एडिशन, एडिशन ऑफ एच एक्स। हम किसका एडिशन करने वाले हैं भाई? एच एक्स का एडिशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए लिख लेते हैं एडिशन ऑफ एच एक्स और इसकी बात यहाँ पर हम करेंगे, ठीक। चलिए एडिशन ऑफ एच एक्स के अंदर सपोज दैट कोई एल्कीन ले लिया जाता है सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू और उसकी रिएक्शन कराई गई है एच एक्स के साथ, क्लियर। क्या होगा? सबसे पहले बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये इस पर अटैक करेगा और क्या बना देगा यहाँ पे? ये बना देगा सी एच टू, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा सी एच थ्री हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इस पे x माइनस अटैक करता है तो क्या बन जाएगा? सी एच टू एक्स और यहाँ बन जाएगा सी एच थ्री। तो किस तरीके से एडिशन हुआ? एक जगह हाइड्रोजन लग गया, एक जगह x लग गया है। तो इसका जो एडिशन होता है वो मैं नोट पॉइंट में बताता हूँ कि जो एडिशन होता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का वो किसके अकॉर्डिंग होता है? एडिशन, एडिशन अकॉर्डिंग टू, एडिशन अकॉर्डिंग टू एम रूल। एम रूल बोले तो मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ रूल। एडिशन किसके अकॉर्डिंग होता है भाई? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। अब अगर आपने मार्कोनिकॉफ रूल की बात करी है तो चलिए बता देते हैं क्या होता है एम रूल या मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है, क्लियर, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इज अटैक, न्यूक्लियोफाइल इज अटैक एट दैट कार्बन एटम, एट दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ में आया कुछ? कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करता है
उस कार्बन पे अटैक करता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, लेस हो। कैसे? चलिए एग्जांपल से समझते हैं, तब जाके ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने लिखा यहाँ पे HX का मुझे एडिशन करवाना है। तो इन दोनों में से न्यूक्लियोफाइल कौन है भाई? X माइनस किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो अगर X माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो क्या बनना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल के अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए? देखो ध्यान से, मैं आपसे पूछूं, बताओ एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 है। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो लेस कहाँ पर है? लेस किस जगह पर है? इस जगह पर लेस है। बोलो है कि नहीं है? तो न्यूक्लियोफाइल बोले तो एक्स माइनस वो कहाँ जुड़ जाना चाहिए? वो यहाँ जुड़ जाना चाहिए। अगर वो यहाँ जुड़ेगा तो क्या बना देगा? वो बना देगा CH3CH एंड दिस एक्स। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बट अगर एग्जाम्पल कुछ ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए कि CH3CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और आपको क्या दे दिया जाए? HX दे दिया जाए। अब आपसे पूछा जाए बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर हाइड्रोजन यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, तो X कहाँ जुड़ जाना चाहिए? यहाँ पर जुड़ जाना चाहिए। और प्रोडक्ट क्या आ जाना चाहिए आपका? प्रोडक्ट आ जाना चाहिए CH3CH3CH CH3 और X। बोलो आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए? बट एक्चुअल में दिस इज़ नॉट द करेक्ट प्रोडक्ट, इट इज़ द रॉन्ग प्रोडक्ट। क्लियर? प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसा, देखो इधर ध्यान से, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा कि यहाँ पे बनता है CH3, ये C, यहाँ CH3, यहाँ से जो मिथाइल है वो शिफ्ट होकर कहाँ आ जाता है? वो यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है मिथाइल शिफ्ट होकर भाई? यहाँ पे आ जाता है। जैसे मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे कितने मिथाइल बच जाएंगे? 2 मिथाइल बच जाएंगे। और कार्बोकेटाइन क्या यहाँ आ जाएगा? तो क्या X यहाँ लगना चाहिए? और यहाँ पर CH के साथ इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल, क्या ये प्रोडक्ट सही बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मतलब दिस इज द रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। क्या है ये? रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है। इसमें रीअरेंजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? मिथाइल की शिफ्टिंग हुई है कि नहीं हुई? तो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है। तो फिर क्या हो गया? मार्कोनिकोफ तो रूल फॉलो नहीं हो रहा, मार्कोनिकोफ तो फेल हो गया। तो फिर क्या हुआ? मार्कोनिकोफ को मॉडिफाई किया गया। क्या किया गया? मॉडिफाई, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल के ऊपर जहाँ रीअरेंजमेंट हो रहा है वहाँ पर मार्कोनिकोफ का रूल फॉलो नहीं हो रहा था। तो फिर मार्कोनिकोफ ने अपने रूल को क्या किया? मॉडिफाई किया। और क्या बनाया? दिस इज द मॉडिफाइड M रूल, मॉडिफाइड मार्कोनिकोफ रूल। क्या कहता है मॉडिफाइड मार्कोनिकोफ रूल? कि अकॉर्डिंग टू M रूल न्यूक्लियोफाइल इज अटैक ऑन दैट कार्बन एटम which has most stable carbocation। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ न्यूक्लियोफाइल इज अटैक ऑन दैट कार्बन एटम विच हैज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पे कार्बोकेटाइन क्या होगा? ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। अगर कार्बोकेटाइन पहले बनता है और वो स्टेबल नहीं है, वो रीअरेंज होने के बाद स्टेबल होता है, तो उसको पहले रीअरेंज कराएंगे, फिर जहाँ पर वो चला जाएगा फाइनली वहाँ पे जाके क्या लगा देंगे हम? X लगा देंगे। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चंस पे चर्चाएं करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द फर्स्ट, क्या प्रोपीन प्लस HCl में ऐड करने वाला हूँ, क्या बन जाएगा बताओ? अरे ये रहा HCl, Cl के यहाँ जाके लग जाएगा, यहाँ रीअरेंजमेंट का कोई चांस है ही नहीं। मैंने लिखा यहाँ पे क्या सेकंड, क्या लिखा मैंने? सेकंड प्लस HBr, क्या हो जाएगा भाई? Br लग जाएगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा? मिथाइल, और यहाँ आ जाएगा Br। मैंने लिखा एग्जाम्पल नंबर थर्ड, क्या CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? मैंने ऐड किया HCl, क्या हो जाएगा? चाहे कार्बोकेटाइन यहाँ स्टेबल, यहाँ कहीं पे भी बनाओ, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ CH2CH3 आ जाएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरीके से हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हम HCl ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा, क्या ये H प्लस को ले लेगा? अगर ये H प्लस को लेता है तो क्या यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा? और यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो दिस इज़ द हाइड्राइड शिफ्ट, क्या यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा? अगर हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये केटाइन बन जाएगा, और यहाँ पे कौन अटैक करेगा? Cl माइनस, और Cl माइनस जब अटैक करेगा तो क्या ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्लियर है कहानी? तो अकॉर्डिंग टू NCERT क्या कहा जाता है कि जब हम किसी भी प्रोपीन की रिएक्शन HBr से कराते हैं तो यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, एक बार Br यहाँ लगता है और एक बार Br यहाँ लगता है। ये वाला जो प्रोडक्ट होता है ये होता है मा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ, और ये होता है मी बोले तो माइनर प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? इस रिएक्शन को कहा जाता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। क्या कहा जाता है भाई? रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन कि सर रिजियो सेलेक्टिव क्या होता है, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। दिस इज द रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। क्या आखिर इसको रिजियो सेलेक्टिव क्यों बोला गया है? तो रिजियो सेलेक्टिव क्यों बोला गया है, देखो ध्यान से क्या होता है। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ कि रिएक्शन इन विच मोर देन वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, इन विच मोर देन वन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। कहने का मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं and both products are structural isomers of each other। जो दोनों प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। एंड जो वन प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट के कंपेरेटिवली क्या होता है? डोमिनेंट होता है। एंड क्या लिख देते हैं? एंड वन प्रोडक्ट इज डोमिनेंट देन अदर प्रोडक्ट। क्लियर है कहानी? क्या कहानी है कि रिएक्शन इन विच मोर देन वन प्रोडक्ट्स आर फाउंड। क्या इस रिएक्शन के अंदर भी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? बन रहे हैं ना। एक बन रहा है क्या? 2-bromopropane, एक बन रहा है 1-bromopropane। क्या ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं? हाँ। तो रिएक्शन इन विच मोर देन वन प्रोडक्ट्स आर फाउंड एंड बोथ प्रोडक्ट्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब दोनों स्ट्रक्चरल जो आइसोमर, दोनों जो प्रोडक्ट होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। और एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर अगर डोमिनेट कर जाता है तो उसे कहेंगे रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। क्या कहा जाएगा इसे? रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम बात करें किसकी? रिएक्टिविटी की। किसकी? रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर HX। क्लियर? अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात करें, HX की जगह हम यहाँ पर HI भी ले सकते हैं, HBr भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, HF भी ले सकते हैं, तो बताओ कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा? HI, बिकॉज इट इज़ मोर नहीं मोस्ट एसिडिक। क्या होता है ये? मोस्ट एसिडिक होता है। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस पे चर्चाएं कर लेते हैं वापस से इसी टॉपिक के ऊपर कि मैंने लिखा यहाँ पे दिस इज द एल्कीन और मुझे ऐड करना है। क्या ऐड करना है भाई मुझे यहाँ पर? मुझे ऐड करना है HBr। क्या ऐड करना है मुझे? मुझे ऐड करना है HBr। तो देखो ध्यान से किस तरीके से मैं HBr को ऐड करने वाला हूँ कि मुझे बताओ कहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है? यहाँ पे या फिर यहाँ पे? ऊपर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है तो Br कहाँ लग जाएगा? ऊपर लग जाएगा। फिर मैंने बात करी एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो चुका था अपने पास? एग्जाम्पल 5th के बाद हम आ चुके हैं 6th पे। किस पे आ चुके हैं भाई? 6th। फिर हमने ले लिया है 7 नंबर एग्जाम्पल, दिस इज द 5 मेंबर्ड रिंग और बाहर लगा हुआ है डबल बॉन्ड। हमने क्या ऐड किया? HBr। अगर हम HBr ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से, बन जाएगा कुछ ऐसा कि यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले कार्बोकेटाइन। क्या अगर किसी भी 5 मेंबर की रिंग के बाहर कार्बोकेटाइन हो तो क्या रिंग एक्सपेंड हो जाती है? अगर रिंग एक्सपेंड हो गई तो कितना मेंबर का रिंग बना लेगी भाई? ये बना लेगा 6 मेंबर का
रिंग, बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्लियर है ना कहानी। तो सिक्स मेंबर का रिंग बन जाएगा और दोनों मिथाइल एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं और बगल में क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि कार्बोकेटाइन अभी भी यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही मिथाइल की शिफ्टिंग होगी क्या बन जाएगा, दिस दिस, और यहाँ प्लस आ जाएगा और फाइनली हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बी आर माइनस एड करा देंगे। तो जैसे ही बी आर माइनस एड होगा तो यहाँ पे लग जाएगा बी आर, यहाँ मिथाइल आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है कहानी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ सिक्स सेवन के बाद एग्जाम्पल नंबर एट्थ की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर एट्थ मैंने लिया यहाँ पर कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ये है और कुछ इस तरीके से कंपाउंड दिया हुआ है और मुझे जोड़ना है इसके अंदर एच बी आर ओनली वन इक्विवेलेंट। तो बताओ कहाँ पे जुड़ेगा, किसका रिएक्टिविटी फास्ट है, इसका रिएक्टिविटी। मैंने कहा था एल्कीन का हमें क्या देखना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो कहाँ जाके जुड़ जाएगा, यहाँ जाके ऐड हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा भाई, प्रोडक्ट आ जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा ब्रोमीन, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ब्रोमीन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट के बाद क्वेश्चन नंबर नाइन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन के अंदर मैंने आपको दिया क्या, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच एंड दिस इज द बी आर और मुझे एच बी आर ऐड करना है। तो बताओ जब प्रोडक्ट बनाने की बात आती है तो जो ब्रोमीन है वो क्या शो करता है, वो प्लस आर प्लस एम शो करता है। तो अगर प्लस आर प्लस एम शो करेगा तो कार्बोकेटाइन कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो फिर न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहीं अटैक करेगा। तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, सी एच टू सी एच, यहाँ बी आर और दूसरा बी आर भी कहाँ लग जाएगा, यहीं पर ही लग जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है ना कहानी, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए तो ये हो जाएगा सी एच थ्री, ठीक है। देखो नंबर नाइन के बाद नंबर टेन मैंने दिया सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और मैंने दिया एन ओ टू इन प्रेजेंस ऑफ एच बी आर। एन ओ टू कैसा ग्रुप है, एन ओ टू इज़ अ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो केटाइन कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ब्रोमीन कहाँ पे लगेगा भाई, ब्रोमीन लगेगा यहाँ पे सी एच टू बी आर सी एच टू, दिस इज़ द एन ओ टू, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर इलेवन के अंदर आ जाता है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच दिस इज ओ सी एच थ्री, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये आ जाता है और हमें गिवन है एच बी आर, तो बताओ कहाँ पे लगेगा ब्रोमीन, जो एन ओ सी एच थ्री है इज अ प्लस आर और प्लस एम ग्रुप, बोलो है कि नहीं है। तो ब्रोमीन कहाँ जाके लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा इस कार्बन पे क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। तो ये बन गया है सी एच थ्री सी एच, इस पे ओ सी एच थ्री भी आ जाएगा और इसी पे ब्रोमीन भी आ जाएगा, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एडिशन ऑफ एच एक्स की बात करी है, इसी के साथ हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है। रिएक्शन नंबर कौन सी है भाई, ये रिएक्शन नंबर हमने इसको नाम दिया था रिएक्शन ए। नेक्स्ट रिएक्शन को हम लेने वाले हैं रिएक्शन बी। तो देखो ध्यान से, रिएक्शन जो बी है वो क्या है, उसका नाम है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है। कहने का मतलब एसिड के प्रेजेंस में हमें क्या कराना है, वाटर को ऐड करना है, या फिर इसका दूसरा नाम हो सकता है रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4, क्या है डाइल्यूट H2SO4, या फिर तीसरा नाम भी हो सकता है रिएक्शन विद H2O इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो चलिए इसकी बात करते हैं सबसे पहले कि इस रिएक्शन में आखिर क्या बताया गया है। तो रिएक्शन का नाम डिफरेंट डिफरेंट है पर रिएक्शन एक ही है, इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से इसको बताया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा कोई एल्कीन और इस एल्कीन के साथ हम क्या ऐड करने वाले हैं, इस एल्कीन की रिएक्शन कराने वाले हैं हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ या फिर H+H2O के साथ, क्लियर। क्या हो जाएगा, एक जगह लग जाएगा H, एक जगह लग जाएगा OH और प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ H यहाँ आ जाएगा OH, दैट मीन्स हाइड्रेशन हो गया है। क्या हो गया है भाई, हाइड्रेशन
हो गया है, किस तरीके से होगा रिएक्शन। सबसे पहले हम H प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे, अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे तो यहाँ पे जुड़ जाएगा H और यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटायन। फर्दर हम अगर इसमें वाटर ऐड करते हैं तो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा और क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। अगर हम इसी एल्कीन के अंदर क्या ले लें, H प्लस के साथ ले लें आर ओ एच बोले तो एल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बन जाएगा और जब एल्कोहल अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा ओ आर, दैट मीन्स एल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो चलिए इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं कि मैंने एक एग्जांपल दिया सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू, इसका मुझे क्या कराना है, हाइड्रेशन कराना है जिससे बनेगा पी। मैंने एक और एग्जांपल दिया प्रोपीन, जिसका भी मुझे हाइड्रेशन कराना है जिससे बनेगा क्यू। मैंने दिया आइसो ब्यूटीन, जिसका भी मुझे क्या कराना है, हाइड्रेशन कराना है जिससे बनेगा आर। तो पी क्यू आर का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो आपको कंपेयर करना है। तो चलिए सबसे पहले पी क्यू आर निकाल लेते हैं, क्या होगा पी, एक जगह लगेगा एच एक जगह लगेगा ओ एच, तो दैट मीन्स सी एस थ्री सी एस टू ओ एच, दिस इज द 1 डिग्री एल्कोहल, बोलो है कि नहीं है। क्यू की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबलाइज है, तो क्या बन जाएगा, दिस इज द 2 डिग्री एल्कोहल, बोलो बन गया कि नहीं बन गया। आर की बात करें तो कहाँ लगेगा कार्बो न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे लगेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ ज़्यादा स्टेबलाइज है, तो क्या बन जाएगा, दिस इज द 3 डिग्री एल्कोहल। तो आपको इन तीनों के अंदर क्या कंपेयर करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो आपको पता है कि जो 3 डिग्री एल्कोहल है उसके पास प्लस आई ग्रुप्स ज़्यादा हैं, जहाँ प्लस आई ग्रुप ज़्यादा होंगे वहाँ पे क्या हो जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा पी, फिर क्यू, फिर आर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए तो इसी तरीके से हम और आगे बढ़ लेते हैं, कुछ एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या कि मैंने कुछ क्वेश्चन और दे दिए हैं, जैसे मैंने दिया यहाँ पे एक एग्जांपल और कि दिस डबल बॉन्ड और आपको क्या जोड़ना है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करानी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे, कार्बोकेटाइन से क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, क्या शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे हाइड्राइड शिफ्ट होगा और वाटर अटैक करेगा क्या बन जाएगा, कुछ बन जाएगा ऐसा, बोलो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दिस इज द सेकंड रिएक्शन जिसका नाम है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, कहने का मतलब वाटर को आपको ऐड करना है। तो इस तरीके से जितनी भी रिएक्शंस हैं जो हमने टेबल बनाई थी उसकी जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको 1 by 1 हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज के लिए 2 रिएक्शन हमने पढ़ ली है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट रिएक्शन पे आएंगे, रिएक्शन नंबर C के साथ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।